हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एंड दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट, हमने पहला चैप्टर डिस्कस किया था जिसमें हमने जाना था कि मैटर्स एक्चुअली होते क्या है। अब इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि जो मैटर्स हम लोग के आसपास होते हैं, क्या वो प्योर होते हैं। लेकिन अब सबसे पहले मैटर प्योर होते हैं कि नहीं होते हैं जानना तो बात की बात है, पहले ये प्योर के मायने आपके लिए क्या रखते हैं ये हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। When you listen to this word pure, आपके मन में क्या आता है? जैसे TV में ऐड हम लोग देखते हैं कि ये शुद्ध नमक है ना, प्योर नमक है, शुद्ध घी है, प्योर घी है, 24 कैरेट गोल्ड है, मतलब कहते हैं प्योर गोल्ड है, राइट? तो यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए प्योरिटी का मतलब चेंज होता है और हमारे नॉर्मल लोगों के लिए प्योरिटी का मतलब कुछ और होता है, ओके? जैसे आप जब कहते हो कि ये प्योर घी है, सो बेसिकली प्योर घी होने का मतलब हमारे लिए होता है कि वो शुद्ध घी है, बट साइंटिस्ट उसको किस रूप में देखते हैं कि जो घी है वो कितने सारे मैटर्स को मिलाकर बनाया गया है, ओके? लाइक जैसे मैंने कहा घी, उसी तरीके से हम कहते हैं शुद्ध नमक, तो नमक का मतलब क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। तो हम कहेंगे कि नमक हमारा जो है एकदम शुद्ध है, लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलेगा? नहीं, ये प्योर नहीं, इम्प्योर है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग टाइप के मैटर्स को मिलाया गया है। तो साइंटिस्ट देखते हैं करके कि जब एक ही टाइप के मैटर को इस्तेमाल करके अगर किसी चीज़ को बनाया जाए तो उसको वो प्योर कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए गोल्ड की बात करते हैं, 24 कैरेट गोल्ड, हाँ 22 कैरेट नहीं, 24 कैरेट गोल्ड में क्या होगा कि जितने भी गोल्ड के मैटर्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, है ना, सेम होंगे, एक दूसरे से थोड़े से भी डिफरेंट नहीं होंगे। जब सारे एटम किसी भी कंपाउंड के एक जैसे हो, शेप में, साइज में, मास में, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में, सिर्फ उसी सब्सटेंसेस को साइंटिस्ट क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि प्योरिटी का मायने हमारे लिए कुछ और हो जाता है और साइंटिस्ट के लिए हमेशा से कुछ और ही होता है। तो जैसे देखो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे नमक हम खाते हैं, प्योर घी हम खाते हैं, प्योर मिल्क हम खाते हैं, तो ये सारे हमारे लिए प्योर है, लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलेगा? नहीं, दे आर नॉट प्योर, दे आर मिक्स्ड कंपाउंड्स, वो बहुत सारे मैटर्स को मिलाकर बनाए गए सब्सटेंसेस है, ओके? एनी डाउट्स ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स? इफ यस, देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट। अब देखिए यहाँ पर इस टॉपिक को आप तभी समझ पाओगे जब आप इस वर्ड का मतलब समझोगे कि ये मिक्सचर क्या होते हैं और मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा आप लोगों के लिए कि मिक्सचर जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप के मिक्सचर, दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमो जीनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है? तो दो टाइप्स के मिक्सचर है सर, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? होमो का मतलब होता है स्टूडेंट, हम कह सकते हैं सेम। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है? आसान शब्द में आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर बताऊंगा ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मैं ये नहीं बोलने वाला हूं करके वो एग्जांपल एज इट इज़ आप एग्जामिनेशन में यूज़ करो, लेकिन मिक्सचर का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? इमेजिन करो कि आपने एक ग्लास लिया और उस ग्लास में आपने थोड़ा पानी लिया और उस पानी में आपने क्या किया, समझ लीजिए, थोड़ा सा लेमन डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया। नींबू का रस जब आप डालेंगे तो क्या होगा? वो मिक्स हो जाएगा उसके अंदर, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। ये एक मिक्सचर हो गया फॉर एग्जांपल के लिए। दूसरे केस में आप क्या कर रहे हो, आप वापस एक दूसरा ग्लास ले रहे हो और उसके अंदर पानी ले रहे हो, उस पानी में आप डाल रहे हो सैंड, दैट इज मिट्टी डाल रहे हो आप, ठीक है? तो पहले वाले केस में आपने क्या बनाया था? लेमन सॉल्यूशन बनाया था, है ना, लेमन सॉल्यूशन बनाया था, और केस टू में आपने क्या किया? मिट्टी डाला है। अब मुझे आप बताइए कि क्या मैं मिट्टी को इस पानी से अलग कर सकता हूँ किसी भी तरीके से? तो आप कहोगे हाँ सर, छान के आप अलग कर सकते हो,
लेकिन क्या लेमन को मैं इस पानी से अलग कर सकता हूँ? तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं अलग कर सकते। तो जहाँ पर मिक्सचर को वापस से सेपरेट करना पॉसिबल ना हो बाय एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और जहाँ पर सेपरेशन पॉसिबल हो बाय फिजिकल मेथड, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो आपको मैंने एक थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दिया अबाउट टाइप्स ऑफ मिक्सचर में, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आपको और डाउट्स आएंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन का मेथड लिया है, जो मैंने अभी आपका मट्टी वाला सॉल्यूशन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर देखो क्या किया, ये जो चीज़ है आप देख रहे हो स्टार्टिंग में, ये एक फ़िल्टर पेपर है। इस पेपर को बीच में से क्या किया, मोड़ दिया है। मोड़ के इन्होंने क्या कर दिया, इसको हाफ बना दिया। फिर उसको क्या किया, फोल्ड करके उसको कोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उस कोन को क्या किया है, इस फनल के अंदर डाल दिया। फनल के अंदर क्या किया, गंदा पानी डाला और नीचे क्या गिरा, सारा का सारा साफ पानी फिल्टर होके नीचे आ गया और जो मिट्टी थे वो ऊपर ही फनल के अंदर रुक गया। ठीक है, तो ये था एक फिल्ट्रेशन मेथड। तो फिल्टर करना अगर पॉसिबल है तो हम क्या कहेंगे, जो मिक्सचर बनाया था इससे पहले, जो समझ लीजिए ये मिक्सचर को मैं फिल्टर करता हूँ, एक कंटेनर है, इसमें पानी है और थोड़ा मिट्टी है, तो इसको जब मैं इसके अंदर डालूँगा तो नीचे क्या होगा, फिल्ट्रेट आ गया और बाकी जो है ऊपर क्या आ गया, जो मिट्टी है वो जमा हो जाएगा इस फिल्टर पेपर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले प्योर मैटर्स क्या होते हैं। तो प्योर मैटर, हमेशा याद रखो कि कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और सेम टाइप ऑफ मैटर आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, साइंटिस्ट के नज़रिए से देखने की कोशिश करो। तो क्या सॉल्ट प्योर हो सकता है? तो आप कहोगे नहीं, सॉल्ट कैन नॉट बी प्योर, एज सॉल्ट इज मेड अप ऑफ टू मैटर्स, टू एलिमेंट्स, दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन। सॉल्ट इज बेसिकली अ मिक्सचर, राइट? अब देखो स्टूडेंट, मिक्सचर तो आप समझ गए, तो सॉल्यूशन क्या चीज़ है? तो मिक्सचर एंड सॉल्यूशन में बेसिक डिफरेंस हम कह सकते हैं, वापस से सॉल्यूशन में आप सेम चीज़ ले सकते हो। देखो कि सर, सॉल्यूशन में भी होमोजीनियस होता है, राइट? सॉल्यूशन में भी होमोजीनियस होता है, तो दूसरा वाला क्या होगा, हेट्रोजीनियस डेफिनेटली, राइट? अब देखो, इसे नींबू पानी, सोडा वाटर, ये सारे क्या है, ये सारे होमोजेनियस सॉल्यूशन है। अब होमोजेनियस सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं सर? तो मैं कहूँगा स्टूडेंट, ये टाइप आप मेंशन करो अपने नोटबुक में, लिख कर ले लो। हाँ, ये मतलब एकदम लिख के ले लो। अब देखो, कोई भी लिक्विड आप ले लो, ठीक है, लिक्विड आप ले लो, उस लिक्विड को आप किसी के साथ भी मिक्स कर दो। लिक्विड दैट कंटेन्स इधर सॉलिड, मतलब इसमें आपने सॉलिड डाल दिया, या फिर आपने लिक्विड में लिक्विड डाल दिया, या आप लिक्विड के अंदर गैस को डाल दो। लिक्विड विद गैस, जैसे आप सोडा पीते हो, कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो क्या होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डेफिनेटली लिक्विड के साथ क्या हो गया है, होमोजीनियसली मिक्स हो गया है। मतलब इतने बेहतरीन तरीके से वो मिक्स हो गया है कि आप उसको डेफिनेटली फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो, वन ऑफ द रीज़न। दूसरा चीज़, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। एक भेल है, भेल का मिक्सचर आपने बनाया, भेल खाया रहेगा ना आपने, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें ममरा होता है, उसके अंदर चना होता है, उसके अंदर शेव होता है, अब उसके अंदर मिर्ची होती है। तो आपको अगर उसमें कोई चीज़ नहीं पसंद है, फॉर एग्जांपल यू डोंट लाइक द चिली इनसाइड, सो आप क्या करोगे, उस चिली को निकाल कर आप फेंकते जाओगे, है कि नहीं? यहाँ पर सेपरेशन एकदम सिंपल है, आप पिक एंड थ्रो कर रहे हो, पिक एंड थ्रो कर रहे हो। तो यहाँ पर इस टाइप के मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गॉट द पॉइंट? हालांकि हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन उसी के लिए होगा जहां पर पानी होगा। सॉल्यूशन में पानी होना एकदम ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनी डाउट सो फार माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, सो या लेट्स गो अहेड। देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट वन, एलॉय। और एग्जामिनेशन में मैं कहूँगा एलॉय के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, एलॉयज क्या होते हैं। तो एलॉयज हम कहेंगे करके कि आपके घर में बर्तन होंगे, स्टील के बर्तन हम कहते हैं। बेसिकली वो स्टील के बर्तन नहीं होते, स्टेनलेस स्टील होते हैं वो, स्टील नहीं, स्टेनलेस स्टील होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील इज़ नथिंग बट माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ अ मिक्सचर। क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर। ज़रा चलो इसको रीड करने की कोशिश करें, क्या लिखा है।
एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। तो एलॉय क्या होते हैं, दो मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपाउंड बाय फिजिकल मेथड। उनको फिजिकल मेथड से अलग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे भेल में से आप मिर्ची निकाल रहे थे ना, वैसे इसको आप नहीं कर सकते हो। बट स्टिल एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, देखो ब्रास का एग्जाम मिक्सचर लिया हुआ है। ब्रास क्या है, तो ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो 30 जिंक और कॉपर को अगर मिला दिया जाए, किसको मैंने कहा, वापस से बोलता हूँ, जिंक और कॉपर, जिसमें जिंक की मात्रा कम है और कॉपर की मात्रा ज़्यादा है, इनके मिक्सचर से जो चीज़ तैयार होगा उसको कहेंगे हम लोग ब्रास। क्या कहेंगे, ब्रास। सो ब्रास इज़ नथिंग बट अ मिक्सचर माय डियर स्टूडेंट। कौन से टाइप का मिक्सचर है सर, ये एक एलॉय है। आपको पूछ लिया एलॉय क्या होता है, तो स्टार्टिंग का जो यहाँ पर तीन लाइन दिया हुआ आपको लिखना है, एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपाउंड बाय फिजिकल मेथड्स। तो ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है, एलॉय इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और एक मार्क्स के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं बट एक मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली एलॉय के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन को थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं। समझ लो मुझे नमक का पानी बनाना है, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा बताओ। तो सर आप लोगे थोड़ा सा सॉल्ट ले लोगे और आप ले लोगे वाटर, राइट। तो नमक को और पानी को मैं मिला देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो सर आपको मिलेगा सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो मैंने सॉल्ट लिया है उसका क्वांटिटी और जो मैंने वाटर लिया है उसका क्वांटिटी सेम होगा या कम ज़्यादा होगा। तो आप कहोगे सर सॉल्ट जो है वो कम क्वांटिटी में लेंगे और वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। तो ये बात याद रखना बच्चों कि जो भी चीज़ कम क्वांटिटी में ली जाती है ना उसको कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में ली जाती है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और इन दोनों का जो मिक्सचर तैयार होकर बाहर आया है वो क्या है, सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूट समझ में आया क्या हुआ था, आपको सॉल्वेंट समझ में आया क्या हुआ, और सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। तो तीनों में डिफरेंस है। अब एग्जामिनेशन में आपको पूछते हैं इन तीनों के ऊपर डेफिनेशन, कि सॉल्यूट का डिफाइन करो, सॉल्वेंट को डिफाइन करो या सॉल्यूशन को डिफाइन करो। तो देखो मैं आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन देता हूँ। जैसे आपको पूछ लिया कि सॉल्यूट को डिफाइन करो, किसको, सॉल्यूट को, तो आप क्या बोलोगे, आप बोल सकते हो करके कि सॉल्यूशन में जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, ओके। द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन अ लेसर क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। या फिर हम कहेंगे द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन लेसर क्वांटिटी टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। दूसरा क्या है हमारा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन हायर क्वांटिटी, हायर क्वांटिटी, तो ज़्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप कहोगे सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया एक चीज़ है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके। एनी डाउट, चलो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया इसको रीड करते हैं। ए सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एट इट्स कंपोनेंट्स। देखा यहाँ पर भी वही बात बोली है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का आपको अगर टेक्स्ट बुक वाला डेफिनेशन तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूशन का एक पार्ट, एक हिस्सा। कंपोनेंट मतलब एक हिस्सा, यहाँ पर जो वर्ड है तो कंपोनेंट मतलब क्या, हिस्सा। किसका हिस्सा, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का एक हिस्सा जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर दे। तो दूसरे कंपोनेंट को कब डिसॉल्व करेगा, जब पहला कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। जैसे वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ये क्या करेगा, दूसरा जो
कॉम्पोनेंटेड सॉल्ट उसको क्या करेगा, डिजॉल्व कर देगा. तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट. सो द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट. तो यहाँ से आपका चालू हो जाता है, ये वाले पॉइंट से आपका चालू हो जाता है सॉल्यूट का डेफिनेशन, और स्टार्टिंग में जो था यहाँ से वो है सॉल्वेंट के लिए डेफिनेशन. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स. लाइक आई डोंट थिंक दिस टॉपिक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और थोड़ा सा आप अगर पुट डाउन करोगे, थोड़ा सा लाइक हार्डवर्क करोगे इस चीज़ के अंदर, मतलब ज़्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना है, थोड़ा रीड करिए, कोई वर्ड्स है उसको समझने की कोशिश करिए, और कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आया, लिटरली फील फ्री कि आप नीचे कमेंट करो. और काफ़ी अभी तो लॉकडाउन है तो काफ़ी टाइम है हमारे पास, आई कुड डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑन द कमेंट सेक्शंस ऑल्सो, राइट? सो फील फ्री टू कमेंट बिलो. ओके माई डियर, यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमको. ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट. तो यहाँ पर पूछा करके कि एक सोल्यूशन है किसका, शुगर पानी में डाल दिया है, ठीक है. सो वाटर इज ए सॉलिड इन ए लिक्विड सोल्यूशन, इन दिस सोल्यूशन शुगर इज अ सॉल्यूट एंड द वाटर इज अ सॉल्वेंट. क्या यह बात सही है? तो हाँ बात सही है, शुगर सॉल्यूट है क्योंकि शुगर कम क्वांटिटी में लिया है, वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है. तो ऐसे ही आप मुझे बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए नीचे कमेंट करके बताइए. फाइन, एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई डाउट आना चाहिए आपको. तो हमने डिस्कस किया है करके कि मैटर्स क्या होते हैं, ये प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, और मैं कहूँगा जो डायरेक्टली ये चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ना करें. प्रीवियस चैप्टर के पर पहले फोकस करो, प्रीवियस चैप्टर को ध्यान दो, उसको पढ़ो स्टूडेंट्स, ठीक है. और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है कि मैटर प्योरिटी क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, और सॉल्यूशन कैसे बनता है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को मिलाकर, ओके. इसके ऊपर जितने एग्जांपल्स हो सकते हैं आप बनाने की कोशिश करो और मुझे बताओ ये सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वाला इसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन है. ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू.